जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आपको माताओं को लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया को सबको पर मेरी विदा की घड़ी आ गई। मुझे आशीर्वाद छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे बिना ये राम अधूरा है। धरती माँ, तुम ये नहीं कर सकती। मुझे मेरी सीता को लौटा दो धरती माँ, मुझे मेरी सीता को लौटा दो। मेरे धीरज की परीक्षा मत लो धरती माँ, मैं सीता के लिए सारे संसार को नष्ट कर दूंगा। आज तक सबने राम के प्रेम को देखा है। मेरे क्रोध अग्नि को चुनौती मत दो धरती माँ, यदि मेरी पुकार अनसुनी रह गई तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मेरा एक ही बाण प्राणी जल वायु सबको नष्ट कर देगा। अग्नि की इतनी ऊंची लपटें उठेंगी कि स्वर्ग से देवता भी थर्रा उठेंगे। ठहर जाइए। आपके पास इतनी शक्ति है कि आपके एक ही बाण से अनेकों प्रलय आ जाए, पर क्या आपका यह क्रोध उचित है? क्या आपके इस क्षणिक आवेश से सारी सृष्टि का क्रम नष्ट नहीं हो जाएगा? आपके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है श्री राम, क्योंकि सीता से न तो कभी आपका वियोग हुआ था और न ही कभी होगा। सीता तो अपने गंतव्य पर चल पड़ी है और वो शीघ्र ही नागलोक से होकर आपके परम धाम पहुंच जाएगी और वहीं उनसे आपकी भेंट होगी। फिर ऐसा क्रोध क्यों?
महर्षि वाल्मीकि ने क्या क्या चेष्टाएं नहीं की, क्या क्या प्रयास नहीं किए कि आपका जानकी से मिलन हो जाए। किंतु वो भी असफल रहे। राम, यही विधि का विधान है, इसे स्वीकार करो राम। महर्षि सत्य कह रहे हैं राजा, आप विधि के विधान का सम्मान करते हुए अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को स्वीकार करें। अंत तह राम ने पुत्रों को स्वीकार, कितना किया विलंब प्रभु देने में अधिकार। के पीछे कितनी भीड़, जन जन के नैनों में माँ की प्रतिमा के निकट आ गए राजकुमार, त्यागमयी निज मात को सादर रहे निहार, गर्व से रहे निहार। पुष्पों जैसे हाथ में पुष्पों का उपहार, नमन मातुश्री को करें चरण परवार। द्वारपाल को विदा करके तुम स्वयं द्वार पे पहरा दो। हमने प्रतिज्ञा ली है, यदि हमें कोई बात करते हुए सुन ले या देख भी ले तो हम उसे प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा भैया।
श्री राम। इसके बाद अयोध्या नरेश श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। राम राज्य की कल्पना ही हृदय को एक अलौकिक सुख से भर देती है। राम राज्य में प्रजा के सुख की कोई सीमा नहीं थी। सिंह और अजय एक ही घाट पर पानी पीते थे। किसी को कोई भय नहीं था, कोई दुख नहीं था। हर ओर लोग राम नाम की धुन में खोए हुए थे। समय के साथ श्री राम की सभी माताओं ने देह का त्याग किया और उसके बाद समय आया जब श्री राम ने अपने और अपने भाइयों के पुत्रों के लिए राज्य का त्याग कर दिया। उन्होंने भरत के पुत्र कक्ष को तक्षिला दिया, पुष्कल को पुष्कलावती, लक्ष्मण के पुत्रों कुमार और अंगद को हारुपद का राज्य। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन आया जब काल ने अयोध्या पर दृष्टि डाली। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं ऋषिवर? महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अति बल का दूत हूं। एक आवश्यक कार्य हेतु श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूं। आप क्षण प्रतीक्षा कीजिए ऋषिवर, मैं अभी जाकर भैया को आपके आगमन की सूचना देता हूं। भैया, एक परम तेजस्वी महात्मा आपके दर्शन करना चाहता है। वे अपने आप को महर्षि अतिबल का दूत बताते हैं। ठीक है लक्ष्मण, उन्हें आदर सहित अंदर ले आ। जो आज्ञा भैया। पधारिये ऋषि। नाम राजन, आपका अभ्युदय हो। आसन ग्रहण कीजिए। महामुनि, आपका स्वागत है। आप जिनका संदेश लेकर आए हैं उनका संदेश सुनाइए। राजन, वो संदेश गुप्त है, वो बात परम गोपनीय है। पता, हम आपको वो बात एकांत में ही सुनाएंगे। इसलिए आपको ये घोषणा करनी होगी कि जब हम और आप एकांत में बात कर रहे हों, उस समय यदि किसी ने हमारी बात सुनी या हमें वार्तालाप करते देख भी लिया, तो आप उसे अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आ गया। लक्ष्मण, द्वारपाल को विदा करके तुम स्वयं द्वार पर पहरा दो। हमने प्रतिज्ञा ली है, यदि हमें कोई बात करते हुए सुन ले या देख भी ले, तो हम उसे प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा भैया। सुमन जी। जो आज्ञा महाराज। अब आप निश्चिंत होकर वो बात कहिए जो आप कहने आए हैं। प्रभु, मैं आपका ही पुत्र हूं। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय आपने अपनी माया के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे ही उत्पन्न किया था। मैं काल हूं। सबका संहार करना ही मेरा कर्तव्य है।
हे सर्व जगत के स्वामी, इस काल का प्रणाम स्वीकार करें। भगवान, मुझे परम पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि हे त्रिलोकपति महाविष्णु, जिस कार्य हेतु आप मनुष्य लोक में आने का संकल्प किया था वो कार्य पूर्ण हो चुका है, और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी वो भी अब पूरी हो चुकी है। अतः आपका अपने परम धाम में पधारने का समय हो गया है। फिर भी यदि और अधिक समय तक आपका यहां रहने का संकल्प हो तो आपकी इच्छा। हे महाकाल, मैंने स्वयं अपने मन से आपका चिंतन किया है ताकि आप यहां पधारें, इसीलिए आपका आगमन हुआ है। मैं अपने धाम वापस जाना चाहता हूं और यह संदेश ब्रह्मा जी तक पहुंचा दें। हम दुर्भाषा ऋषि यदि क्रोधित होकर तुम्हें श्राप देंगे तो इसी क्षण रघुकुल सहित सारी अयोध्या नगरी भस्म हो जाएगी। नहीं नहीं ऋषिवर, नहीं नहीं ऋषि, यदि केवल मेरी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो वही उत्तम है। दशरथ पुत्र लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण है, हमें श्री रामचंद्र जी से इस समय मिलना है, जाकर उन्हें हमारी सूचना दो। भगवान, मुझे अपना सेवक जानकर अपना प्रयोजन बताइए, मैं तत्काल ही आपका कार्य पूरा कर दूंगा। हमें श्री रामचंद्र जी से इसी समय मिलना है, हमारा उन्हीं से प्रयोजन है, इसलिए तुम केवल इतने ही सेवा करो कि जाकर तत्काल हमारे आगमन की सूचना दो। क्षमा करें प्रभु, भैया इस समय किसी विशेष कार्य में व्यस्त है, इसलिए आपको कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमें प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा है मूर्ख लक्ष्मण, हमें भीतर जाने से रोकने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? तुम हमारी शक्ति से परिचित नहीं हो। हम दुर्भाषा ऋषि यदि क्रोधित होकर तुम्हें श्राप देंगे तो इसी क्षण रघुकुल सहित सारी अयोध्या नगरी भस्म हो जाएगी। नहीं नहीं ऋषिवर,
यदि केवल मेरी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो वही उत्तम है। आप क्रोध ना करें प्रभु, मैं आपकी शक्ति को भलीभांति जानता हूं। मैं अभी जाकर भैया को आपके आगमन की सूचना देता हूं। भैया 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 हमने प्रतिज्ञा ली है, यदि हमें कोई बात करते हुए सुन ले या देख भी ले तो हम उसे प्राण दंड दें। अगले एपिसोड में देखिए सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, मैं दशरथ नंदन अयोध्यापति रामचंद्र तुम्हारा परित्याग करता।